दर्शकों, धर्म निरपेक्षता के ही नाम पर देश की संसद में जय फिलिस्तीन के भी नारे लगाए जाते हैं और इन नारों का समर्थन भी हमारे ही देश में किया जाता है। IAM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में भारत के सांसद के रूप में शपथ लेते हुए जय हिंद का नारा नहीं लगाया, जय भारत का नारा नहीं लगाया बल्कि जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, जिसके बाद लोकसभा के रिकॉर्ड से इन नारों को हटा दिया गया और इन नारों को लेकर अब खूब हंगामा हो रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी यही कहते रहे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, ना ही कुछ गलत कहा है और जय फिलिस्तीन के नारे वह बार बार संसद में बाहर आकर भी दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि वह आगे भी इन्हें दोहरा सकते हैं। दोस्तों, आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोले, हम जय भीम, जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। तो असदुद्दीन ओवैसी भारत के नागरिक हैं, वह भारत के लोगों से वोट लेकर भारत के संसद बने हैं। आज वह भारत के संसद भवन में खड़े थे और भारत के सांसद के रूप में अपनी शपथ ले रहे थे, लेकिन उन्होंने जय भारत नहीं कहा, उन्होंने भारत माता की जय नहीं कहा। असदुद्दीन ओवैसी अपनी कई रैलियों में पहले भी यह कह चुके हैं कि वह भारत माता की जय नहीं कहेंगे, लेकिन सोचिए वह इसी भारत का सांसद बनने के बाद जय फिलिस्तीन खुलेआम कह देते हैं और इसे वह सही भी मानते हैं और ठहराते हैं। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर अल्लाह अकबर। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर अल्लाह अकबर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है भारत के हर नागरिक को, लेकिन यह अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब यह है कि आप भारत की संसद में खड़े होकर जय फिलिस्तीन के नारे लगाएंगे और जय भारत बोलने से कतराएंगे। क्या यही असली धर्म निरपेक्षता है और क्या यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी यह है, या फिर यह अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग है, या फिर एक और कोशिश भी हो सकती है कि ओवैसी साहब इस पटल पर खड़े होकर अपने कुछ खास वोटर्स को साध रहे थे, उन्हें ऐसा लगता होगा कि जय फिलिस्तीन का नारा देकर उनके जो मुसलमान वोटर हैं वह प्रभावित हो जाएंगे और वह उनके पीछे आकर खड़े हो जाएंगे। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि भारत के मुसलमान जय फिलिस्तीन का नारा सुनकर उन्हें वोट देंगे तो यह भी एक खतरनाक सोच है। मुसलमानों की राजनीति करने वाले तमाम नेताओं को यही गलतफहमी है कि अगर वह फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे, अगर वह पाकिस्तान का समर्थन करेंगे तो भारत के मुसलमान उनके फैन बन जाएंगे और इसलिए शायद असदुद्दीन ओवैसी ने भी जय फिलिस्तीन तो कहा लेकिन जय हिंद और जय भारत का नारा नहीं लगाया। लेकिन आज हम यह पूछना चाहेंगे भारत के लोगों से और ख़ास तौर पर उनके मुस्लिम वोटर से कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की यह अदा पसंद आई, क्या यह वाकई इस बात से खुश होते हैं कि उनका नेता भारत की संसद में जाकर जय फिलिस्तीन का नारा लगाए तो लगाए लेकिन जय भारत न कहें, भारत माता की जय न कहे, क्या वह इससे खुश होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी भारत के उन नेताओं में से हैं जो संविधान और सेकुलरिज्म यानी धर्म निरपेक्षता की सबसे ज़्यादा राजनीति करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ओवैसी साहब की पार्टी के नाम का असली अर्थ क्या है। ओवैसी साहब की पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसका मतलब होता है भारतीय मुसलमानों का एक ऐसा संगठन जो पूरी तरह से एकजुट है, लेकिन इसके बावजूद ओवैसी साहब इस देश में धर्म निरपेक्षता की सबसे ज़्यादा राजनीति करते हैं। आप उनकी असली राजनीति को समझ सकते हैं जो पूरी तरह से एक और सिर्फ एक धर्म के लिए समर्पित है। और आज बीजेपी ने भी इस पर आपत्ति जताई और इस देश की संसद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इख्तदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर अल्लाह अकबर।